योगी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने और प्रदेश में कानून का राज स्थापित कर लोगों को न्याय देने का दावा किया है, लेकिन गोंडा जिले में कानून की रखवाले कानून का चीरहरण और सरकार के दावों का दम निकाल रहे हैं। जी हाँ, दरअसल चोरी के आरोप में पुलिस ने नाबालिग को थाने में गिरफ्तार किया और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। जब नाबालिग के पिता ने बच्चे को छुड़ाने वो थाने पहुंचे तो पुलिस वालों ने उसके साथ मारपीट की और उसे एनकाउंटर करने की धमकी भी दी, जिसके बाद बच्चे का पिता दहशत में आकर थाने के सामने ही उसने दम तोड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि इटियाथोक थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला सामने आया है और इस मामले में एक FIR दर्ज कर ली गई है और दो आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। साथ ही इस मामले की जांच CEO सदर को दे दी गई है। उनकी कौन है आप? हम उनकी पत्नी हैं। क्या कुछ हुआ, कहाँ पे हुआ, पूरी बात बताओ। करबला में हुआ था, बच्चे को बकरा के चोरी में लगा दिया, बहुत तीन औरत तीन मर्द बहुत मारा इसको, हमारे बच्चे को। हम गए भैया छोड़ दे, चोरी ना गए, कहते हैं बकरा चोरी करी थी। फिर वो पाई यार कई दिन पुलिस उठाई लेंगे हमारे बच्चा को, थाने पर लेंगे, पुलिस भी मारिन, पुलिस मारिन। फिर उनके अब्बू का पता नहीं कहा देरवाइन धमकाइन, वो बाहर गेट पर निकले, उनके ध्यान तो वही दिन खत्म हो गए। उनके घर वाले जो देखा था बाबा बल्ली पटरा वाले, फिर सब ने मिलकर हमें मारा गरमा में पल्ला बंद कर। फिर उसके बाद में फिर गया, फिर मारा तो अब्बू का नंबर बताया, फिर अब्बू ने आया, अब्बू आए, हाँ वहाँ आए तो अब्बू को ढकेल दिया पकड़ कर और दो चार झापड़ मारा, फिर थाने पे आए, थाने में भी मारा, हमारे अब्बू खत्म हो गए। जनपद गोंडा थाना इटिया थोक में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है अकील कुरैसी नाम के व्यक्ति के द्वारा। उनके भतीजे को बकरी चोरी के आरोप में मारपीट की गई थी मोहम्मद सोहेब और कुछ अन्य लोगों के द्वारा। उसमें जो है उनके बड़े भाई मोहम्मद समीम बचाने गए थे तो उनको भी मारपीट किए थे, जिससे सदमे से उनकी मृत्यु हो गई। इसमें धारा 304 ICC का भी पंजीकृत कराया गया है और इस प्रकरण में बकरी चोरी की बात आई थी सामने, उनसे पूछताछ की गई थी और फिलहाल थाना परिसर में या थाने परिसर के आसपास ना तो उनकी मारपीट की बात आई है और ना भी वहाँ मरने की बात है। जो तहरीर के अनुसार जो उनकी सदमे से मृत्यु होना बताया गया है, फिलहाल प्रकरण की पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें अभी पंजीकृत होने के बाद का संकलन किया जा रहा है और जो भी इस प्रकरण में है पूरे प्रकरण में जो है गहराई से छानबीन करने के लिए क्षेत्राधिकारी सदर जो है उनको जाँच दी गई।